हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए के अंदर चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अमंग दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो लाइफ ब्लड है बिजनेस का। मींस विदाउट फाइनेंस एनी बिजनेस इज नॉट रनिंग आउट, क्योंकि जब बिजनेस का एग्जिस्टेंस होता है तब से लेकर एंड तक बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत होती ही है। और जो फाइनेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करता है, बिजनेस को अलाइव रखता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दो हो सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस देखेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस देखेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो ये डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किसको फाइनेंस देना है और किसको कितना डिविडेंड अलॉट करना है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट और डेफिनेशन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटल आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप्स, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, एंड वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, दो टाइप के कैपिटल होते हैं। वर्किंग कैपिटल का यूजेस क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड कैपिटल के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इफ़ेक्ट्स, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, पर ईजीनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस में, ह्यूमन लाइफ में जैसे ब्लड का काम करता है वैसे बिज़नेस में फ्लो करता है। मनी सप्लाई देन ओनली बिजनेस हैव टू बी अलाइव। तो एडिक्वेट फाइनेंस होना ज़रूरी है। अगर सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है तो बिजनेस में पॉसिबल कि लॉस हो सकता है। सो यहाँ पर बिजनेस कैन नॉट बी स्टार्ट विदाउट एडिक्वेट फाइनेंस। जब फाउंडेशन होता है तब से लेकर जब मनी की रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो जाती है, देन ऑल्सो बिजनेस को लाइव रखने के लिए ज़रूरी है कि वो रिक्वायरमेंट फाइनेंस की कंप्लीट करे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट utilize financial resources in the such manner that satisfied return in earn along with the optimum utilization of finance, means paise ki jo zarurat hai uska optimum utilization of finance ka matlab hai us jo bhi paise aate hain hamare paas uska best way mein utilization karna, means usse wo jo hai wo hame costly na pade। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन बाय डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट गुरु हैव गिवन अकॉर्डिंग टू द FW पेस इन द मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन मींस बिजनेस में हम जो भी पैसे यूज़ करने वाले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स acquiring ऑफ रिक्वायर्ड फंड एट द रिक्वायर्ड टाइम, मीन्स acquiring करना मीन्स ज़रूरत पड़ने पर जितना ज़रूरत है उतना पैसा acquire करना। बहुत सारे resources है जहाँ से हम available करवाते हैं fund, और at the required time जब ज़रूरत पड़ती है तब वो fund available करवाना। तो that is a फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू रेमंड जे चैम्बर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू टेक डिसीजन अबाउट फाइनेंशियल मैटर, टू इम्प्लीमेंट द स्मूदी एंड टू रिव्यू दैम। तो जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें स्मूदनेस आए, ईजीली वर्क करे, तो उसके लिए एंड टू रिव्यू मीन्स वो जो अब हम पैसे लाए हैं वो महंगा ना पड़े, तो इसके लिए हमारा इफ़ेक्टिवनेस रहे बिजनेस का।
फॉर दैट पर्पज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैटर्स करता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम किम्बल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स अक्विजिशन ऑफ फंड. अक्विजिशन मीन्स बाहर से अक्वायर करना, बाहर से अवेल करवाना हमारे बिजनेस में. इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना विदाउट एनी वेस्ट. एंड इट्स अप्रोप्रिएट अलोकेशन, और उसका अलोकेशन मीन्स किसको जिसको ज़रूरत है उसको वो सफिशेंट अमाउंट में अवेल करवाना. जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट को सम अमाउंट चाहिए तो उसको देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अलोकेशन. ऑल द डेफिनेशंस यहाँ पर है वो क्लैरिफाई करती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ज़रूरी है. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. बहुत सारे मैनेजमेंट के ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग फॉर द यूज़ ऑफ फाइनेंस. तो पैसे का यूज़ कैसे करना है तो वो बताता है, इसीलिए इसको ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो हमने पढ़े थे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग. तो वैसे ही मैनेजमेंट जब आता है तब प्लानिंग तो होता ही है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग मीन्स किसको कितना ज़रूरत है पैसे का, और कंट्रोलिंग मीन्स वो वेस्टेज ना करे, जितना हम अवेल करवाते हैं पैसे उसका वेस्टेज ना हो, तो ये देखना सुपरवाइज करता है. सेकेंड इज वाइड स्कोप. फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है, इट इंक्लूड्स अदर देन फाइनेंशियल नीड्स अक्वायरमेंट. अक्वायरमेंट मीन्स बाहर से, बैंक से लाना है, फ्रेंड से लाना है, शेयर होल्डर से लाना है पैसे, तो दैट अक्वायरमेंट. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मीन्स जो लाए हुए अमाउंट है फाइनेंस है उसका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना मीन्स विदाउट एनी वेस्ट. प्रॉपर एलोकेशन मीन्स जो डिपार्टमेंट को जो पर्सन को जितनी पैसे की ज़रूरत है उतनी उस टाइम पर अवेल करवाना, दैट इज़ प्रॉपर अलोकेशन. ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी जितनी है उससे, और कम भी नहीं. सो प्रॉपर अलोकेशन, इट्स अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. और उसके ऊपर सुपरविजन भी करना चाहिए कि हमने जितना पैसा दिया है वो उतना यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस टू द एंड. इंसेप्शन मीन्स शुरुआत से लेकर बिजनेस का अंत जब होता है वहाँ तक सारे फंक्शंस फाइनेंस से ही होते हैं, पैसे से ही होते हैं. सो दैट इज अ वाइड स्कोप. देन बेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन, सारे मैनेजरियल डिसीजंस पैसे से ही होते हैं. जो भी फंक्शंस करने हैं वो विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ रुपी ओनली. तो मैनेजरियल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सेल्स, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड सो मैनी मोर. तो ये सब फाइनेंशियल रिलेटेड ही है. तो सारे डिसीजंस का बेस है दैट इज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. रिलेशन विथ फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेट विद द डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग मीन्स किसको पैसा कितना चाहिए, किसको कितना वर्क करना है, कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कैपिटल चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए. सपोज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसके लिए पैसे चाहिए तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर, और वेजेस देना है, सैलरी देना है, रेंट पे करना है तो वो. तो कितना हमें लंबे समय तक पैसा चाहिए, कितना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए. सो फॉर दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना. एंड डिविडेंड पॉलिसी मीन्स शेयर होल्डर के पास से अगर पैसे लाए हैं तो उनको कितना डिविडेंड ऑफर करना चाहिए, दैट डिविडेंड पॉलिसी ऑल्सो हैव टू बी रिलेट विद द फाइनेंशियल डिसीजन. तो इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजेस मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स जो नावाडेज इम्प्लीमेंटेड है. गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर.
तो यहाँ पर ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर में दो इंटेंशन होते हैं ओनर के। ओनर का फर्स्ट इंटेंशन इज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस बार 10 करोड़ है, 12 करोड़ नेक्स्ट ईयर हो, उससे ज़्यादा 15 करोड़ हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड नेक्स्ट इज़ अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ओनर ये सोचता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो, मीन्स धन संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए। जैसे एक यूनिट है, उससे एक्सपांड करके दूसरा यूनिट एस्टेब्लिश करे, फिर थर्ड यूनिट एस्टेब्लिश करे। जैसे रिलायंस ग्रुप है, टाटा है, तो उन्होंने हर एक फील्ड में अपना जो विस्तार किया है, सो दैट इज़ कॉल्ड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट इज ऑफ की पोजीशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, उसके बिना बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विदाउट फाइनेंस इज नॉट पॉसिबल। रिलेशन विद द अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट। दूसरे मैनेजमेंट के एरिया कौन कौन से? प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट। तो इनमें जो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये इफेक्ट करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल मोर फ्लैक्सीबल। फ्लैक्सीबल क्यों है? सपोज एस्टिमेट लगाया गया है कि परचेज डिपार्टमेंट को 15 करोड़ की पूरे साल में ज़रूरत पड़ेगी, पर 15 की जगह पे 16 करोड़ की, 1 करोड़ ज़्यादा डिमांड हो गई, तो दैट मस्ट बी फ्लैक्सीबल। तो उस टाइम पर ना नहीं कहेंगे, कहीं पर से भी अवेलेबल करवाएंगे। सो दैट हैव टू बी फ्लैक्सीबल। इफ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ सफिशेंट फंड, अगर उसके पास सफिशेंट फंड है तो ही वो फ्लैक्सीबल रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेट विद द डिफरेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट, सच एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सोनेल मैनेजमेंट। पर्सोनेल मैनेजमेंट मीन्स जो भी बिजनेस के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका देख रेख रखना, दैट इज पर्सोनेल मैनेजमेंट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ डिवीज़न इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवीज़न करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम, फिक्स्ड कैपिटल एंड फाइनेंस, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, वैसे लेते हैं। एंड दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसके लिए लंबे समय तक रहता है। और वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे ट्रांजैक्शन, जैसे कि सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये सब पे उनकी रेगुलर वर्किंग कैपिटल से होता है। सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का? तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं मेनली। मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर सोचते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हो और बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। उसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजिंग इनकम ऑफ द कंपनी, मीन्स बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। इन्वेस्टर परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स जो है, जब बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करता है, तब इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट इन द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। और प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का डिविडेंड हाई रहता है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर से ही उनको डिविडेंड मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेस, मीन्स रॉ मटेरियल, लेबर फोर्स, ये सब जो है अवेलेबल रिसोर्सेस है, उनमें से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। एंड
डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो डिविडेंड पॉलिसी जो है, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है और वो डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड देता है। इन एडिशन दिस अप्रोच सजेस्ट दैट कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ओनली, जिसमें प्रॉफिट मिले वही प्रोजेक्ट अप्रूव करना है और वही इम्प्लीमेंट करना है। सो कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, तो इसीलिए वैसे प्रोजेक्ट सैंक्शन करे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और सेकेंड इज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है नेट प्रेजेंट वैल्यू। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट्स वेल्थ फॉर शेयर होल्डर्स, हेंस द फाइनेंशियल डिसीजंस रिजल्टिंग इन टू इंक्रीज द नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ऑल्सो ओनली बाई एक्सेप्ट बाई द कंपनी ओनली। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ कैश फ्लो। जितना बिजनेस में कैश होता है, रूटीन में फ्लो होता है, उसके ऊपर डिपेंड है। ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड एज एन मेजरमेंट एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। तो कैश फ्लो ही देखते हैं और प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं इन द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर, कितना इन्वेस्टमेंट और चाहिए, दैट नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है माइनस करेंगे तो वी कैन गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच फाइनेंशियल डिसीजन बाय विच वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज्ड। इफ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज, इट विल रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर के प्राइस पर इफेक्ट आएगा। शेयर के कहाँ पर होते हैं सेल एंड परचेज? स्टॉक एक्सचेंज में। तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के वजह से शेयर के अंदर मार्केट प्राइस इंक्रीज होगी शेयर की, एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ विल मैक्सिमाइज्ड एंड द शेयर होल्डर्स असेट्स इंक्रीजेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अप्रोप्रिएट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बेस्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रोफेसर सोलोमन हैव फेवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या महत्व रखता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर। फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट लगा कर देता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना चाहिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना चाहिए। देन अक्वायरिंग फाइनेंस, कौन कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू हम अक्वायर कर सकते हैं पैसे। अमाउंट ऑफ फाइनेंस कैन बी अक्वायर फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। तो उसको सिलेक्ट करके देता है जिससे वो कॉस्टली ना पड़े, मिनिमम कॉस्ट रहे, मीन्स इंटरेस्ट ज़्यादा ना पे करना पड़े। थर्ड इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग तो करना ही है जिससे पता चले कि हमें कितना एस्टिमेशन आए कि कितना पैसा हमें चाहिए, और कंट्रोलिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस इन द बेस्ट मैनर। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, जो पर्सन को, जो डिपार्टमेंट को जितना पैसा चाहिए उसको अवेल करवाते हैं सो दैट डिपार्टमेंट गेट एडिक्वेट फाइनेंस
मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कैश के अंदर कन्वर्ट कर सके वैसा, दैट ऑल्सो हैव टू बी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश बजट भी बनाते हैं जिसके थ्रू कैश बैलेंस पता चले कि हमारे हाथ में कितने पैसे हैं और हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हर एक इनकम जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। जैसे बिजनेस का पार्ट प्रॉफिट में हुआ है तो प्रॉफिट का पार्ट जो है वो अलग अलग शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा और बाकी का ओनर लेगा। तो ये सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हैव टू बी अलॉटेड, और उससे डिविडेंड के पहले भी जो भी इन्वेस्टर्स है उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि क्रेडिटर्स है या फिर बिल से पेएबल है, दैट ऑल लोन फ्रॉम बैंक, तो उन सबको पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट करता है। एंड मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स, जो भी करंट असेट्स होते हैं जैसे कि कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब है जो भी टूल्स है वो स्टॉक है, वो इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मीन्स जो हम सेल करके पैसे ला सकते हैं, वैसी सेलेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब सिक्योरिटीज आती है। एंड बैंक बैलेंस, तो ये सब करंट अकाउंट है उसको मैनेजमेंट करते हैं, मीन्स शॉर्ट टाइम में कैसे पैसे तुरंत आ सकते हैं बिजनेस के अंदर। एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल बजट का मतलब है कि कितने पैसे के कौन से एरिया में चाहिए, सो दैट इज़ फॉर द कैपिटल बजट। लॉन्ग टाइम के लिए कितना पैसा चाहिए, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो सब खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए कितना पैसा चाहिए, तो फॉर दैट डिसीजन इज़ फॉर द कैपिटल बजट। एंड डिविडेंड पॉलिसी, प्रॉफिट अगर हुआ है बिजनेस में तो उसके बाद डिविडेंड कैसे अलॉट किया जाए। एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, और जो भी बाकी का बचता है उसको वापस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, तो फॉर दैट ऑल्सो स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सारे डिसीजंस लेता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से कितना डिविडेंड के तौर पर जाएगा और कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा, तो ये दो डिसीजंस हैं। तो दैट इज़ विद द डिविडेंड एंड विद री इन्वेस्टमेंट, जो री इन्वेस्टमेंट करते हैं देन ओनली कैन बी पॉसिबल, जो रिमेनिंग है वो डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन रेजिंग क्रेडिट ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होगा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, तो डेफिनेटली दैट हैव टू बी विद द टॉप लेवल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का समृद्धि बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तब दैट हैव टू बी विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इफिशेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरेट्स फाइनेंशियल फैसिलिटीज, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफ़िशेंट है तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ दे पाएगा, उसको स्पेस मिलेगा कि किसको कितना पैसा चाहिए, एडिक्वेटली दे हैव टू अलॉट, तो सारे पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। एम्प्लॉयज़ सैलरी, क्रेडिटर्स पेमेंट कैन बी मेड इन टाइम, और अगर एडिक्वेट नहीं होगा मैनेजमेंट तो क्या होगा, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और जब बिजनेस में एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स एंड सो मैनी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो एज अ रिजल्ट दैट बिजनेस हैव टू बी गोज डाउन। तो अगर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट जनरेट्स टू सेटिस्फाइड दिस एम्प्लॉयज़ एंड क्रेडिटर्स एंड सो मैनी, सो एज अ रिजल्ट क्रेडिट ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ख़त्म होते हैं, यू हैव टू स्टडी इट वेल, नेक्स्ट टाइम फाइनेंशियल डिसीजंस देखेंगे। टिल दैट थैंक यू।